पिछले एक महीने से I've been listening to Gary Vee a lot. Last week मैंने एक बुक मंगाई थी Alchemist करके and वो आज ही सुबह डिलीवर हो गई. So welcome back and I hope you are having a great day. तो मेरा जो वेट है वो वेरी कर रहा है अराउंड 84 और 85 के बीच में. एंड आई एम ग्लैड कि हर हफ्ते मैं एक एक किलो धीरे धीरे करके कम कर पा रहा हूँ. लेकिन अगर मैं प्लेट्यू हिट कर देता हूँ, मतलब अगर मेरा वेट कहीं जाके पे स्टक हो जाता है, देन आई नीड टू टेक सम सीरियस एक्शन. लेकिन तब तक के लिए तो शांति है, अब तक कुछ प्रॉब्लम हुआ नहीं है. सोच रहा था स्किपिंग करने जाओ, लेकिन आज मन नहीं कर रहा स्किपिंग करने का, पता नहीं क्यों, लेकिन आज सच में मन नहीं कर रहा है. तो मैं सोचा कि चलो एक वॉक के लिए निकल जाता हूँ. तो पिछले कुछ दिनों से, या आई शुड से पिछले एक महीने से आई हैव बीन लिसनिंग टू गैरी वी अ लॉट. क्योंकि चलते समय पॉडकास्ट सुनने की आदत एक बहुत ही बढ़िया आदत लगी है मेरे को एंड बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है. क्योंकि उस बंदे का जो एक्सपीरियंस है 35 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, कैसे उसने अपने एक बड़े कंपनी से छोटे छोटे कंपनी शुरू किए, जितना ज़्यादा मैं नॉलेज गेन कर सकता हूँ मार्केटिंग के बारे में उतना ज़्यादा मैं ट्राई करता हूँ. क्योंकि देखो मेरे को मार्केटिंग में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, इसलिए आई लिसन टू पॉडकास्ट रिलेटेड टू मार्केटिंग, ब्रांड बिल्डिंग, स्टोरी टेलिंग एंड स्टफ लाइक दैट. और मुझे एक्चुअली ज़्यादा समय भी नहीं हुआ है मैंने पॉडकास्ट सुनना शुरू किया गैरी वी के. आई हैव बीन फॉलोइंग हिम फ्रॉम लास्ट लॉकडाउन 2019 में मैंने उसकी पहली पॉडकास्ट सुनी थी और अभी एक डेढ़ साल आई हो चुका है. लेकिन बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है. लेट मी टेल यू वंस अगेन, इफ़ यू आर लिटिल बिट इंटरेस्टेड इन टू एंटरप्रेन्योर्स, इफ़ यू आर लिटिल बिट इंटरेस्टेड इन टू बिजनेस, बिल्डिंग अ ब्रांड, देन यू शुड फॉलो हिम. बेसिक रीजन आई लिसन टू दिस पॉडकास्ट इज कि इनके पास जो नॉलेज, इनके पास जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको कहीं पे पैसे देके नहीं मिलने वाली. वी आर गेटिंग दैट इन्फॉर्मेशन फॉर फ्री एंड ऑल्सो आप किसी कोर्स में ये सारी चीजें नहीं सीख सकते. सो दैट एंड दैट्स व्हाई आई लिसन टू दिस पीपल. सो लास्ट वीक मैंने एक बुक मंगाई थी एल्केमिस्ट करके एंड वो आज ही सुबह डिलीवर हो गई. लेट्स सी कि अंदर से कैसी है. I don't know why, but I am excited to open this. इसकी कॉस्ट भी ज़्यादा नहीं थी, ये मेरे को अराउंड 200 रुपीस की पड़ी. If you want to check this book out, link is in the description and yeah. इसको मैं पढ़ूंगा लेकिन अभी थोड़े इधर खाने के बाद. अभी मैं वैसे भी नॉर्मली यही मेरा रोज का बोरिंग खाना है, ओट्स, और यहाँ पे है 600 grams of watermelon. यहाँ पे मैंने यूज़ किया अराउंड 80 और 90 ग्राम्स ऑफ ओट्स. 2 स्कूप प्रोटीन डाला है ताकि थोड़ा प्रोटीन कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा सकूँ मैं. बट आई फिनिश दिस एंड लेट्स टॉक अबाउट द बुक लेटर. सो दिस बुक इज अबाउट अ स्मॉल बॉय जिसको पूरा दुनिया घूमना है एंड ही कम अक्रॉस अल्केमिस्ट. एंड उसके आगे क्या होता है वो मेरे को बुक पढ़ने के बाद मालूम पड़ेगा. सो व्हेन आई स्टार्ट रीडिंग दिस बुक मैं आपको इसके बारे में और व्लॉग्स के थ्रू बताते रहूँगा. तो ये वीडियो भी बहुत ही छोटा रहेगा क्योंकि लॉकडाउन में घर पर बैठ के ज़्यादा कुछ करने के लिए नहीं होता है. मेरी जो रेगुलर चीज़ें हैं मैं वही करते रहता हूँ, लाइक पढ़ाई करना, उसके बाद में वर्कआउट करना एंड बार बार वही सेम चीज़ें दिखाऊंगा तो मज़ा भी नहीं आएगा एंड वैरायटी नहीं रहेगी व्लॉग्स में. सो आई एम कीपिंग इट वेरी सिंपल एंड शॉर्ट ताकि जो चीज़ है वो स्ट्रेट फॉरवर्डली मैं व्लॉग्स में बता सकूँ. एंड डोंट फॉरगेट टू हिट दैट लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल. So until then, stay fit and stay motivated. This is Yash Kashyap. Sign off. Mm-hmm.